गुजरात के गोधरा में एक मस्जिद को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। अब वहां लोगों का इलाज हो रहा है। ये गोधरा की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ के कलेक्टर और अधिकारियों ने इस जगह को देख परख कर कोविड सेंटर बनाने की इजाजत दी। फिर हमने आधी मस्जिद को अस्पताल में बदल दिया और 32 बिस्तरों वाले अस्पताल की शुरुआत की। यहाँ हमने 8 पुरुष और 8 महिला आइसोलेशन बेड रखे हैं। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहते हैं और एक एक मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हम कोरोना वायरस के मरीजों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन का इंजेक्शन देते हैं। रोज सवेरे हमें दरेक दर्दी ने तथा हमारा जितना भी स्टाफ है, हम उन्हें ओकालो जैसी आयुर्वेद की दवा भी देते हैं और होम्योपैथिक दवा मरीजों समेत अपने स्टाफ को भी देते हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से मरीजों के लिए खाना आ जाता है। मरीजों को दोपहर और रात का खाना और सुबह शाम का नाश्ता दिया जाता है। हमारी तरफ से उन्हें रोज रात को दूध, बिस्कुट और फल दिए जाते हैं। हमने फ्रूट्स पर आ दिए।